दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होते हैं फर्स्ट ईयर में यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। कितने और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होंगे, सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मेरा नाम है प्रदीप मौर्य और आप देख रहे हैं राइट इन फोकला यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के बारे में। बी फार्मा एक फार्मेसी के फील्ड से रिलेटेड बैचलर डिग्री कोर्स है, जिसे कंप्लीट करने के बाद फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फार्मेसी के फील्ड में करियर बना सकते हैं। इस कोर्स को 10+2 यानी 12th के बाद आप कर सकते हैं। 12th आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि PCM या फिर PCBC से कंप्लीट किया है, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बी फार्मा आप कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा, बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है, टोटल 8 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं तब आपको बी फार्मा की डिग्री मिलती है। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट स्टडी करने होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कौन कौन से होंगे? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। इसमें क्या रहेगा? इसमें थ्योरी रहेगा और प्रैक्टिकल दोनों रहेगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों रहेगा। किसका? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तीसरा सब्जेक्ट रहेगा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, इसमें भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका होगा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट होगा कम्युनिकेशन स्किल्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों रहेगा। इसके अलावा रिमेडियल बायोलॉजी या फिर रिमेडियल मैथमेटिक्स आपको पढ़ना होगा, इसका भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल रहेगा। तो टोटल 6 सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि सेमेस्टर 1 में। चलिए आपको बताते हैं सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। इसमें भी आपको टोटल 6 सब्जेक्ट स्टडी करने होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड रहेगा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट होगा बायोकेमिस्ट्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा बायोकेमिस्ट्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। चौथा सब्जेक्ट आपका रहेगा पैथोफिजियोलॉजी, थ्योरी। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों रहेगा। लास्ट है एनवायरमेंटल साइंसेज, थ्योरी। ठीक है, तो टोटल 6 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी करने होंगे, टोटल 6 सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में स्टडी करने होंगे। इस तरीके से फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 12 सब्जेक्ट स्टडी करने होंगे, जिसमें क्या होगा, इसमें अधिकतर जो सब्जेक्ट हैं उनमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों हैं। कुछ ही सब्जेक्ट हैं जिनमें केवल थ्योरी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी में कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं फर्स्ट ईयर में यानी कि प्रथम वर्ष में। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं करियर कोर्सेज एग्जामिनेशन सिलेबस से रिलेटेड, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए राइट इन फोकला यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।